Hello, I've been more popular in this brand, yaar. More popular in this brand. More popular in this brand, yaar. मैं खेल रहा था PUBG Lite पूरे एक साल के बाद, और एक साल पहले मैं इतना इजी वनी फोर मारता था जितना इजी आप किसी बोट को मारते हो। अबे साले, अब मैं एक साल बाद खेल रहा था तो क्या लगता है मैं पहले जैसे खेल पाऊंगा या नहीं। अब मुझे लग रहा था कि मेरी लॉबी थोड़ी लो आ जाएगी, लेकिन यार यहाँ पर तो एकदम से प्रो प्लेयर आ गए। अब मैं इन सबको मार पाऊंगा या नहीं, वो भी पूरे के पूरे एक साल के बाद। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक हो गए जी PUBG मोबाइल लाइट की गेम प्ले वीडियो में, वो भी अपने पुरानी स्टाइल में सोलो वर्सेस स्क्वाड वाली गेम प्ले में। तो यार काफी मजा आने वाला है, एंड तक देखना। और मुझे पता है आप लोगों ने गेम प्ले को काफी ज्यादा मिस किया होगा। तो यार आ चुका है तुम्हारा भाई वापस। अब मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, आ जाता हूं और वेजन के अंदर। और भाई इतने में मेरे को दिखता है ये मम्मी जेट वाला। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि बोल भाई तुम तो नूब बन चुके हो, तो रुको जरा सबर करो भाई। मैंने खेलना छोड़ा है, खेल आज भी जानता हूँ। अभी अगर मैं मम्मी जेट वाले को नॉक करता हूँ और भाई ये जितने स्पीड से भाग जाता है ना, मेरे को नजर भी नहीं आता और ये यहाँ से गायब। अब मेरे पास सिर्फ ओजी थी और ये शॉटगन की छोटी सी बच्ची थी, इसमें से बंदा भाई नॉक नहीं होता। तो मैंने यहाँ से उठा लिया शॉटगन और भाई अब देखो यहाँ पर X12 का पावर। मैंने काफी ज्यादा मिस भी किया क्योंकि यार काफी दिनों बाद आयो, एम भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जो बंदों को मारा है ना, यहाँ पर कंफर्म कर दिया मैंने अपना एक किल। लेकिन वो जो मम्मी जेट वाला था वो यहाँ से भाग चुका था। अभी ऊपर जैसे मैंने इसको नॉक किया तो भाई इसका जरा स्पीड चेक करो, मतलब यार इतनी स्पीड से कौन भागता है। और मेरे जरा सस्ते नशे चेक करो, मतलब मैंने इतना मिस किया कि भाई क्या ही बोलो। और यहाँ पर मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि मैं नूब बन चुका हूँ, लेकिन अब देखो। और भाई ये क्या था, मतलब जरा आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, इस भाई साहब ने जस्ट दो गोलियां चलाई और मैं लिटरली 1 HP। अब मुझे लग रहा था शायद ये बंदा जादूगर है, लेकिन ये बंदा जादूगर नहीं होता, ये गन जादूगर होता है। अब थोड़ी देर जैसे मैंने इसको चलाया ना, तब मुझे समझ आया कि भाई ये J3 तो अलग ही लेवल चलती है। अब यहाँ पर जो मम्मी सेट वाला भागा था, जिसको मैंने पहले नॉक किया था 200 की स्पीड से जो भागा था, उसको यहाँ पर तुम्हारा भाई दोबारा से पकड़ने वाला है। और जस्ट देखो, अभी ऊपर इस मम्मी सीट वाले को मैं काफी इजी नॉक दे देता हूँ। लेकिन यार आप लोगों ने एक बात नोटिस कर लिया कि ये बंदा कितनी जल्दी नॉक हुआ, मतलब यार ये G3 तो कुछ गलत ही लेवल नहीं चल रही, मतलब शायद X12 के वाले को भी टक्कर दे सकती है। अभी ऊपर मैंने एक बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा भी नीचे ही था और मैं वेट कर रहा था कि भाई कब ये बंदा रिवाइव देने के लिए बैठेगा और मैं रश करके निपटा दूं, और ऐसा ही होता है। अब इजिली यहाँ पर मैं इस दूसरे बंदे को भी पकड़ लेता हूँ और इन दोनों को यहाँ पर तुम्हारा भाई लॉबी पहुंचा देता है। और यार मम्मी सेट वाला जादूगर भी था और इसको तुम्हारे भाई ने मारा है 2 बार, तो यार इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, तो कर लेना। अब यहाँ पर मैं लूट रहा था और इतने में आ जाते हैं एक और स्क्वाड। अब यहाँ पर पहले बंदे को तो मैं काफी इजी नॉक दे देता हूँ, लेकिन यार इस बंदे के सस्ते नशे जरा चेक करो, मतलब ऊपर जाए जा रहा है जाए जा रहा है, इसको पता ही नहीं मैं किधर हूँ और मारना किधर है। अब जो दूसरा बंदा था वो नीचे था, ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने सोचा यार तुम नहीं आ रहे तो चलो मैं ही आ जाता हूँ, और अपने पुराना टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके इसको क्या ही निपटाया। अब यहाँ पर इस दूसरे बंदे को भी मैं काफी इजी मारता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक बात का डर था, कहीं ये लोग मुझे जादूगर समझ के रिपोर्ट ना मार दे। और भाई PUBG वाले सस्ते नशे तो वैसे भी बैन करते हैं, तो मुझे भी बैन दे देगा, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये G3 जो है ना कुछ गलत ही लेवल चल रही है, मतलब एकदम BGMI और PUBG मोबाइल वाला फीलिंग आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक बोर्ड को मारा, साथ ही साथ फिनिश भी कर दिया। अब मैंने सोचा निकल के कई और बंदे मारूंगा, गेम प्ले बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने फोरेक्स को कचरा समझ के अपने बैग से बाहर फेंक दिया, और वैसे ही PUBG वालों ने मुझे कचरा समझ के गेम से बाहर फेंक दिया। मतलब यार ये क्या होता है। अब मैंने लगा लिया अपना नेक्स्ट मैच और अब मैंने बोला भाई पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं साला, चिकन तो निकाल कर ही रहूंगा। और अब मैं आ जाता हूं दोबारा से ओड वेजन के अंदर, और अब भी यहां पर काफी ज्यादा बंदे आए थे, तो जस्ट देखो अब तुम्हारा भाई चिकन निकाल पाता है या नहीं। अभी ऊपर मैं इन दो बंदों को काफी इजी नॉक दे देता हूँ, लेकिन अभी मुझे आता है तीसरे बंदे का साउंड, और अब मुझे थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ कि मैं नूब बन चुका हूं, मतलब ये क्या था।
अब ये बंदा थोड़ा बहुत डैमेज हुआ और मैं सीधा ओपन में जाता हूँ। और अब देखो, अब इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए, मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये बंदा जादूगर है। मतलब यार इतना डैमेज होने के बाद भी ओपन में खड़ा है, और जैसे इसका स्पीड देखा ना भाई, मैं एकदम से हिल गया कि भाई ये क्या है। और यहाँ पर आप लोग किल मैसेज पे ध्यान देना, इस बंदे के अगेंस्ट यहाँ पर तुम्हारा भाई निकालने वाला है 1v2। अब इस बंदे के हाथ में था G3, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ओजी थी, तो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मेरे को भी G3 मिल जाते हैं। और अब मैंने बोला भाई आ जाओ, अब मजा आएगा 1v1 फाइट लेने में। और भाई जितना गंदा तरीके से मैंने इस वाले बंदे को नोक दिया है ना, ये पक्का मुझे रिपोर्ट मारेगा। अभी ऊपर रहता है इसका दूसरा टीममेट, और भाई इसको तो इतना गंदा नोक दे देता हूँ कि इस बेचारे को फायर करने का मौका भी नहीं मिलता। और इसके हाथ में एक स्पेल के भी होता है, और साथ ही साथ ये जादूगर भी होता है। तो यार इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब गाड़ के रख लेना। अभी ऊपर मैं सोचा कि भाई निकलते कहीं और बंदे मारते हैं, क्योंकि यार ओल्ड वर्जन में ज्यादा बंदे और नहीं थे। तो मैं आ जाता हूँ अपने बगी के पास। जैसे मैं बगी में बैठ के थोड़ा आगे जाता हूँ, तो मेरे को गेम से दोबारा से निकाल देता है, और मेरे को बोलता है कि भाई तुम ना ही खेलो तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम खेलोगे तो बंदे नहीं खेलेंगे, तुम इतना गंदा मारते हो। तो मैंने बोला कि भाई मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन बंदों को वापस लाओ। तो यार आप लोग कर रहे हो, दोबारा से इंस्टॉल करो और वापस आओ, काफी मजा आ रहा है। और मुझे लग रहा था आप लोग शायद मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन यार जैसे मैं गेम खेल रहा था, इतने में एक बंदा मुझे पहचान लेते हैं, और मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि क्या ही बोलूं। मतलब इस बात के लिए दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे अभी तक याद रखा। तो बाकी मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अपने भाई को दुआ में जरूर याद रखना। तो अल्लाह हाफिज़।